अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैदराबादी गोश्त अंबाड़ा। ये मैं थोड़ा सा मेरे स्टाइल में बना रही हूँ। बनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। हैदराबादी अंबाड़ा गोश्त की मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लेते हैं। अंबाड़ा यानी अंबाड़े की भाजी को तेलुगु में गंगूरा कहते हैं। आप इसके पत्ते देख लें, इस तरह से होते हैं। ये बहुत ही हेल्दी लीफी वेजिटेबल है। तेल गरम हो चुका है, इसमें 2 बड़े साइज की कटी हुई प्याज डाल देते हैं। इसे हाई फ्लेम पे हल्का सा सॉटे कर लें, ज्यादा नहीं, बस 30 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट इसमें डालिए 7 कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। इसे भी सॉटे कर लेते हैं। इसे भी 30 सेकेंड के लिए सॉटे करने के बाद हाई फ्लेम पे इसमें डालिए 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसकी कच्ची भुज आने तक भूनिए। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम हड्डी वाला गोश्त। हड्डी वाला गोश्त लेने से ये और भी ज्यादा टेस्टी बनती है। अब हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे। आधा टी स्पून हल्दी डाल दें और थोड़ा सा नमक। हाई फ्लेम पे इसे भून लेते हैं। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भूनने के बाद इसमें 7 से 8 लहसुन के कलियां डाल देते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। 2 टमाटर, थोड़े से धनिया के पत्ते। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम इसे भूनेंगे। हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने 7 हरी मिर्ची डाला है। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, ज्यादा सॉफ्ट करने की जरूरत भी नहीं है, बाद में अंबाड़े की भाजी के साथ सॉफ्ट हो जाएंगे। आखिर में हम इसमें अंबाड़ा डाल देते हैं। इसे डालने के बाद इसे धीरे से मिक्स कर लें। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अंबाड़े के बंचेस लिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर ली। फ्लेम को थोड़ी देर हाई पे रख के इसे मिक्स करें। गोश्त को गलाने के लिए अंबाड़े के साथ हमें और पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम अंबाड़ा धोते हैं तो उसमें बहुत सा पानी निकलता है। देखिए अभी से इतना पानी आ गया है, सो इसी में गोश्त और अंबाड़ा गल जाएगा। आप चाहें तो प्याज की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। प्याज ज्यादा डालने से इसकी ग्रेवी ज्यादा बनेगी। इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इसके ऊपर लिड बंद कर देते हैं और हाई फ्लेम पे 1 विजिल यानी 1 सीटी आने के बाद फ्लेम को लो पे रख दें। लो फ्लेम पे बस 10 या 15 मिनट तक ही गलाएं। गोश्त भी गल जाएगा और साथ ही अंबाड़े की भाजी भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपको लगे बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा यानी 1/2 कप पानी डाल सकते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है, अंबाड़ा भी गल चुका है और प्याज भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। नेक्स्ट इसमें जो गोश्त के पीसेस हैं उन्हें निकाल के एक प्लेट में रख लें। फ्लेम बंद करने के बाद ही गोश्त के पीसेस को निकालें। देखिए इस तरह से मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि यह भाजी बहुत खट्टी होती है, इसीलिए नमक थोड़ा ज्यादा ही लगेगा। नमक डालने के बाद एक मैशर की मदद से इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। आप देख सकते हैं अंबाड़े की भाजी हमारी बहुत अच्छे से मैश हो चुकी है। देखिए गोश्त के पीसेस हम फिर से इसमें वापस डाल देते हैं, डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। ये बहुत ही ज्यादा मजेदार बनती है, आप लोग इसे जरूर ट्राई करें। आप इसे प्लेन राइस के साथ खा सकते हैं या रोटी से भी खा सकते हैं।
आंध्रा और तेलंगाना में ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर आपको अम्बाड़ा गोश्त नहीं बनाना हो तो आप दाल भी डाल सकते हैं। गोश्त के बदल इसमें चने की दाल या तुअर की दाल डाल के भी बना सकते हैं। प्रोसेसर यही रहेगा। इसे पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। चलिए ये रेसिपी अब तैयार है। अगर आपको मेरी आज की मजेदार गोश्त अम्बाड़ा की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। वेजिटेरियन रेसिपीज के लिए विजिट करें मेरा दूसरा चैनल वेज विद फेम। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और कमेंट करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।